हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 का प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक ट्रेन ट्रैवल कर रही 360 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। और अगर ट्रेन की स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड से 5 किलोमीटर ज्यादा होगी तो 1 आवर का समय कम लगेगा, ठीक है। तो उस केस में हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि नॉर्मल स्पीड जो है इसकी सर्टेन वैल्यू है, ठीक है। उसके लेट नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी यू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इंक्रीज्ड स्पीड जो होगी कितनी हो जाएगी, x प्लस यू प्लस 5। इंक्रीज्ड स्पीड इक्वल टू यू प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, एज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखिए क्या करना है कि हमें डिस्टेंस तो सेम है, सेम जर्नी ट्रेवल कर रहा है, मीन्स डिस्टेंस भी सेम होगा। तो आपको फर्स्ट केस में जितनी टाइम लग रही है और सेकेंड केस में जितनी टाइम लग रही है उन दोनों का डिफरेंस 1 आवर आएगा, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट केस में आपका है 360 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड है u, माइनस सेकेंड केस में इंक्रीज्ड स्पीड जो है उसमें टाइम कम लगेगा, तो u प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है, 1 आवर है। और यहाँ सॉल्व करेंगे फिर, तो 360 कॉमन ले लेते हैं, तो u प्लस 5 माइनस u, ठीक है। और इधर एलसीएम आपका आ जाएगा u इंटू यू प्लस 5 इक्वल टू 1। चलिए यहाँ से देखिए आप u कैंसिल हो जाएगा और 360 इंटू 5 आपका हो गया 1800 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 5u, दैट इज u स्क्वायर प्लस 5u माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, u u वेरिएबल है, ठीक है। तो u की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्या करेंगे फिर यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन से, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, वेयर विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is a quadratic equation in U. Where A equal to 1, B equal to 5 and C equal to minus 1800. ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तो हम आगे रूट्स कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो बी स्क्वायर हो गया आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 7225। अब ये तो ग्रेटर देन 0 मीन्स दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। चलिए देयरफॉर यू क्या हो जाएगा, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है यू इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फिर, माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 7225 है, अभी हमने कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू 1। तो ये हो गया माइनस 5 प्लस माइनस, इसकी रूट आपको आ जाएगी 85 बाय 2। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो दो वैल्यू हो जाएगी यू की, यू इक्वल टू माइनस
5 प्लस 85 बाय 2, तो ये हमारा हो गया 40। और दूसरे केस में माइनस 5 माइनस 85 बाय 2, तो ये हो गया माइनस 45। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो दो रूट्स तो आ गए हैं, बट सेकेंड रूट जो है u इक्वल टू माइनस 45। u जो है हमारा स्पीड ऑफ द ट्रेन है, स्पीड जीरो हो सकता है, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, ठीक है। एज u इज स्पीड ऑफ द ट्रेन, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। सो वी इग्नोर u इक्वल टू माइनस 45, तो u की वैल्यू जो हमारी होगी u इक्वल टू 40, यही हो गया। अब देखिए फाइंड क्या करना था हमें, स्पीड ऑफ द ट्रेन, हेंस स्पीड ऑफ द ट्रेन इज ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, यू के बराबर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।